सुपर सिटी कॉलोनी में दुर्गंध फैलने को लेकर आरआरसी निर्माण का किया विरोध। सुपर सिटी कॉलोनी के लोगों ने आरआरसी का निर्माण रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन कर दिया। बरेली सुपर सिटी कॉलोनी के पास निर्माणाधीन स्वच्छता संसाधन केंद्र आरआरसी का कॉलोनी के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। वहीं उनका कहना था कि आरआरसी में कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, पूरी कॉलोनी में दुर्गंध फैलेगी जिससे बीमारी फैलेगी। हंगामा होने पर पुलिस पहुंची लेकिन लोक निर्माण होने देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने डीएम के सामने समस्या रखने की बात कही। इसके बाद पुलिस लौट आई। भितरी ब्लॉक में ग्राम पंचायत डोरा में नकटी नदी के किनारे आरआरसी बनवाया जा रहा है। सुपर सिटी कॉलोनी में तमाम लोगों ने एकजुट होकर हंगामा करते हुए विरोध शुरू कर दिया। सुपर सिटी रेजिडेंसी वेलफेयर समिति के पदाधिकारी ने काम भी रुकवा दिया। लोगों का कहना है कि आरआरसी के निर्माण में एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। समिति के महासचिव सुभाष चंद ने बताया कि आरआरसी के निर्माण कार्य के लिए भूमि प्रबंध समिति ने अनुमति प्राप्त नहीं की है। उन्होंने कहा कि नकटिया नदी का किनारा ग्राम समाज की भूमि आरआरसी के आसपास ग्रीन पार्क सुपर सिटी माँ वैष्णो कुंज कॉलोनी कुसुम नगर कॉलोनी आती हैं, जिसमें कुछ आंशिक रूप से ग्राम पंचायत केंद्र बनाने का प्रावधान है कि आरआरसी बनने तक कूड़ा डाला जाएगा। ऐसा आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैलेगी, कॉलोनी के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रभाव पड़ेगा। इन सब कॉलोनियों में बाकी निवासियों के लिए हाइजीनिक प्रॉब्लम होगी, इससे इससे बीमारियां फैलेंगी। ऊपर से गिद्ध आएगा, वो जो है वहां से टुकड़े उठा उठा के सबके छतों पर डालेगा, तो ये सब समस्याएं हैं। ये सब चीज़ें, इस टाइप के प्रोजेक्ट तो आवासीय क्षेत्र से बाहर बनता है, कहीं उनको प्रधान जी को बाहर बनाना चाहिए। इससे पॉल्यूशन, मतलब हर तरीके से पॉल्यूशन होगा, तो बड़ा अनहाइजीनिक है ये, तो ये आवासीय क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए। तो हम लोग का यही विरोध है। हमने डीएम साहब को लेकर लिखा है, हम लोग करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं विभिन्न अधिकारियों से। अभी डीपीआरओ साहब आज सुबह आए थे, उन्होंने रुकवा दिया है काम। अब आगे का हम लोग मंडे को डीएम साहब से मिलेंगे और फिर उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस काम को रुकवा के कहीं अनियंत्रित किया जाए, शहर से बाहर, मतलब आवासीय कॉलोनी के बाहर कहीं किया जाए। क्या समस्या है आपके लिए? मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये कूड़ादान बन रहा है, ये हेल्थ वाइज जो है तीनों कॉलोनी का, मतलब आपका ग्रीन पार्क सुपर सिटी और माँ वैष्णो कुसुम नगर भी आएगा, बिल्कुल उनके हेल्थ के नज़दीक में। वहाँ बहुत ही एक तो गंदगी फैलेगी और दूसरा जो है बारिश के टाइम में पानी उसके लेवल तक आता है और वो नदी में चला जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नमामि गंगे में अरबों रुपया खर्च कर रखा है, ये भी गंगा में जाती है ये वाला नदी। तो एक तरह से हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं गंगा को ठीक करने के लिए, दूसरी तरफ ये लोग वहाँ पर कूड़ादान बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? हम ये जानना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट बरेली का है वो इनको बिल्कुल वहाँ से बंद करे, कहीं और जगह ले उसको, और यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये हमारा कहने का है, हम तीनों कॉलोनी वाले यही चाहते हैं। और हमने ऑलरेडी पोर्टल में भी भेजा हुआ है, मैंने खुद 1076 में पोर्टल में बात किया है, उसका जवाब आ जाएगा। और दूसरा जो है रिटर्न में जो है डीएम को और जगह सब जगह भेजा हुआ तीनों कॉलोनी वालों ने। ये हमारी प्रार्थना है कि इसको यहाँ से तुरंत उसे हटाया जाए और दूसरी जगह लिया जाए, यहाँ नहीं बन रहा चाहिए। कैसे निकलेगी यहाँ से? मक्खी मच्छर पैदा होंगे, लोग जो है ना मरे हुए जानवर भी यहाँ पर साथ साथ में डाल जाते हैं, अभी भी डालते हैं, बाद में और भी डालेंगे, उससे इतनी गंदगी फैलेगी। और जब वो कूड़ा यहाँ से निकलेगा आएगा तो रास्ते भर वो गिरता हुआ जाएगा, उसको भी जो उसकी सारी समस्याएं पैदा होंगी, कॉलोनी वासियों के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो ना यहाँ पे इस चीज़ को बनना नहीं चाहिए, यहाँ से हटकर कहीं और जहाँ पे बस्ती से दूर हो, इस जगह पे ऐसी जगह पे इसको स्थानांतरित कर देना चाहिए और यहाँ से इसको हटा देना चाहिए। जी भाई साहब, मैं सुपर सिटी निवासी हूँ और प्रशासन से विनम्र अनुरोध है और प्रशासन से विनम्र प्रार्थना है कि सुपर सिटी के पास जो ये डलाब घर या कूड़ा घर बन रहा है, कृपया इसको तुरंत रोकने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था बनाए, क्योंकि इसके आसपास जो यहाँ पे जो कॉलोनियाँ है, जैसे आपका सनराइज़ है और आपका कुसुम नगर है, सुपर सिटी है, माँ वैष्णो कुंज है, माँ वैष्णो कुंज कॉलोनी है, यहाँ पे सभी अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ हैं और उसमें काफ़ी।